नमस्कार बच्चों, हिंदी में अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी गद्य के बारे में पढ़ेंगे और ये इसका गद्य साहित्य का सेकंड भाग है। राजस्थान की ग्रंथ की प्रमुख रचनाएं 13वीं शताब्दी में हैं। इसमें आराधना, अति विचार और बाल शिक्षा आदि हैं। इस राजस्थान में जो राजस्थानी और गुजराती भाषा का प्रचुर्य मिलता है और डॉक्टर मोतीलाल मनोहरिया महेश्वरी ने इन्हें राजस्थान साहित्य में भी अपना स्थान दिया है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में अनेक राजस्थानी रचनाएं बनी। श्री अगमचंद्र नाहटा के पास सुरक्षित हैं। इनमें से तत्व विचार धनपाल कथा का भी उल्लेख है और ये रचनाएं 14वीं शताब्दी की मानी गई हैं। जैन धर्म का भी इसमें निरूपण हुआ है। धनपाल और तिलक मंझी के प्रसिद्ध जैन कवि धनपाल के भी इसमें रचना प्रस्तुत होती है। पृथ्वीचंद्र चरित्र दूसर वाग विलास श्री अगमचंद्र नाहटा ने राजस्थानी भारती के माध्यम से इनको प्रस्तुत किया है और मणिकेन्द्र चंद सारी ने 1421 में इनकी रचना की थी। राजस्थानी गद्य साहित्य का एक ऐतिहासिक काल्पनिक कथाओं से पूर्ण मिलता है। इन कथाओं में वाचनिका, ये नंबर एक वाचनिका, वाचनिका और ख्यात और में प्रयत ऐतिहासिक घटनाएं बताई गई हैं और इनमें अचलदास की वाचनिका और शिवदास चारण द्वारा 1425 में इसकी रचना हुई थी और साथ ही साथ इसमें एक आश्रयदाता अचलदास के युद्ध का भी वर्णन किया गया है। इनके रचयिता वाचनिका राठौर रतनजी री के रचयिता खिरगरिया खिरिया जगह थे। इन्होंने औरंगजेब से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं महाराजा रतन सिंह की कीर्ति का वर्णन किया है। राजस्थानी में बात या वार्ता कहानी साहित्य का एक विशाल भंडार है। इसमें राणा उदय सिंह री हाड़े सूरजी बात राव भी फौजी री बात बापूजी राव लूणाकरण सी बात और जैसलमर की बात सोडारी बात आदि इसमें हैं। राजस्थान का अधिकांश गद्य साहित्य तो जैन धर्मों में आश्रित या राजपूत शैलियों में दोनों प्रकार से इसे पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ। राजस्थानी गद्य शैली की भाषा के संबंध में उल्लेख है कि इसमें विभिन्न रचनाओं में काल भेद के अनुसार विभिन्न भाषाएं भी प्रयुक्त हुई। इसमें जाति धर्म राजनीति इतिहास लोकवार्ता का भी समावेश हुआ और अब आते हैं मैथिली गद्य। मैथिली की राजस्थान की बात ही मैथिली गद्य में भी गद्य के काफी विकसित हुआ और इसकी रचना काल 1324 से लेकर माना जाता है। 7 अध्यायों में ये विविध संस्कृत का एक विशाल ग्रंथ है और प्रसिद्ध गीतिकार विद्यापति ठाकुर 2 ग्रंथ कीर्तिलता और कीर्ति पता का कीर्ति लता कीर्ति लता और कीर्ति पताका और ज्योतिषोर राय द्वारा इसने इस परंपरा को बढ़ाया। कीर्ति लता गद्य पद्य की ऐतिहासिक रचना है और कीर्ति लता में पद भाग की अपेक्षा गद्य भाग की भाषा अधिक आधुनिक व्यवहारिक विकसित है। विद्यापति के अंतर्गत मैथिली गद्य की कई महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध नहीं होती। मिथिला नेपाल असम में रचित नाटकों में अवश्य मैथिली ग्रंथ मिलते हैं। असम के शंकर देव राम विजय माधव देव पिंपर कुचुआ गोपाल देव रामचरण ठाकुर आदि के नाटकों में भी गद्य का प्रयोग मिलता है और क्योंकि गद्य ही पूर्वतः भारतीय संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग मैथिली में हुआ है। इसी कारण मैथिली शब्दों में तत्सम शब्दों का प्रयोग बड़े अच्छा मिलता है। इसके अतिरिक्त अलंकारित विद्वता प्रदर्शनों से भी निर्मित संस्कृत शब्दावली का प्रयोग संभव है। अब देखते हैं इसके साथ साथ ब्रज भाषा के साहित्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। मौलिक ग्रंथ टीकाओं के रूप में और अनुदित ग्रंथ। मौलिक ग्रंथ क्या होते हैं? ये सबसे पुरानी रचना है। इसके अंदर गोरखनाथ कृत गोरख सार मानी जाती है। इसका रचनाकाल 1400 मानते हैं और
ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही। ब्रज भाषा के गद्य विकास में योगदान देने के लिए संप्रदाय भक्त लेखों का भी योगदान रहा है और पुष्टि संप्रदाय के विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा भी इसकी एक सूची दी गई है, जिसके अंदर गोस्वामी विठलनाथ और उनका ग्रंथ है श्रृंगारस मंडल युवनाष्ट नवरत्न सटीक और चतुर्भाग षठ ऋतु की वार्ता, गोकुलनाथ की चौसठ वर्ष की वार्ता, 252 अक्षरण की वार्ता, गोसाई जी की दामोदर ग्रंथ और नित्य सेवा प्रकार 84 बैठक चरित्र 28 बैठक धारू वार्ता उत्सव रहस्य भावना चरणशील भावना भावना रचनामृत आदि है। गोस्वामी हरि राय जी की जिनका रचना काल 1590 से 1666 श्री आचार्य महाप्रभु की द्वादश निज वार्ता से आचार्य महाप्रभु के सेवक 84 वर्षण की वार्ता, गोसाई जी के रूप में चिंता का भाव, कृष्णा अवतार स्वरूप निर्णय सातों स्वरूपों के वर्णन आदि इनकी और 56 भोगों की भावना भी इनका लेख रचना है। गोविंद दास ने भी वार्ता से अपनी रचना करी। ब्रजभूषण ने नित्य विनोद नीति विनोद और श्री महाप्रभु द्वारा गोसाई जी का चित्र श्री द्वारकाधीश जी की प्राकट्य वार्ता आदि इसके अंदर महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। आप देखते हैं श्री द्वारकेश्वरी भावना रे श्री नाथ जी की सात स्वरूपन की भावना धनुमणि भावना उत्सुक भावना आदि इसी प्रकार से वल्लभ संप्रदाय भी था, जिस वल्लभ संप्रदाय में नाभदास का अष्टायाम ललित किशोरी ललित मोहिनी श्री स्वामी महाराज जी की रचनाएं का यशवंत जी की सिद्धांत बोध आदि रचनाएं हैं। इनके अंदर कुछ अज्ञात रचनाएं भी है जैसे तत्व विवेक गौरक गणेश संवाद पंच संस्कार प्रश्नोत्तरी कृष्ण लीला आदि। धर्म संप्रदायों के साथ साथ इसके अंदर काफी महत्ता और भाषा की दृष्टि की से विशुद्ध साहित्य का इसका महत्व नगण्य है। कुछ लेखकों ने काव्य शास्त्र छात्र छंद शास्त्र और शास्त्रीय विषयों पर भी ब्रज भाषा में गद्यात्मक रचनाएं प्रस्तुत की है। उसमें है बनारसी दास की बनारसी विलास, सुखदेव सिंह मिश्र का पिंगल ग्रंथ, बेनी कहा टिकेत राय प्रकाश और प्रेमप्रद दास का ऐसे चैत्र लल्लू दास के राजनीति माधव विलास आदि पिंगल काव्य भूषण है। ब्रज भाषा के अन्य मौलिक ग्रंथों में शकुन विचार और वैष्णव दास भक्त माल प्रसंग भी है। मीन राज प्रधान का हरितालिका और महेश का हमें रासो लेखने हैं और टीका साहित्य में हम पढ़ेंगे टीकाएं भी बड़ी ब्रज भाषा में मिलती है। इसमें शिक्षा की ग्रंथ की टीका गोपेश्वर की है, हित 84 की टीका भुवन सटीक, रहस्य रस रहस्य सटीक कुलपति मिश्र, भागवत की टीका कृष्णदेव माथुर बिहारी सत्साई कृष्ण राधा कृष्ण चौबे आदि ये सब बच्चों जो है ये सब टीकाएं हैं। इसके अतिरिक्त हरिचरण दास रामजन रामकृष्ण रतन दास भक्तेश अग्रनारायण जानकी प्रसाद नंददास आदि ये प्रमुख इस युग के प्रमुख टीकाएं लिखने वाले लेखक रहे हैं। और उसके बाद है अनुदित ग्रंथ। ब्रज भाषा में संस्कृत और अन्य भाषाओं से अनुदित ग्रंथों की भी बड़ी रचना मिली है। ये ग्रंथ है नासिकेत पुराण नंददास मार्कंडे पुराण दामोदर दास भाषामृत श्रीमद भागवत गीता का अनुवाद भगवान दास श्रीमद भागवत गीता अनुवाद बेताल 25 सूर्ति मिश्रा 20 उपनिषद भाष्य और हितोपदेश देवीचंद दर्शन निर्णय वेदांत संबंधी दर्शन मनोहर दास निरंजनी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुवादक अज्ञात और आदि अनेक बहुत सारी माधव निदान में अनुदित ग्रंथ मिलते हैं। और इन अनुवादित ग्रंथों की भाषा शैली पूर्वाक्त टीकाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा में गद्य साहित्य की दृष्टि से तो पर्याप्त है, उसका विशेष क्षेत्र भी विविध है, किंतु साहित्य कलात्मक दृष्टि से कोच कोटि का नहीं है। उसकी धार्मिक दार्शनिकता शास्त्रीय ग्रंथों को समझने में दृष्टि हुई है और ललित्यता की प्रेरणा इन ग्रंथों में दृष्टिगोट नहीं होती। तो जब भी हमने गद्य साहित्य के इतिहास में राजस्थानी साहित्य ब्रज भाषा साहित्य आदि के बारे में
जाना कि टीका क्या होती है और कितने लोगों ने टीकाएं लिखी है या अन्य रचनाएं की है। तो इसके साथ ही इसका अगला भाग जो आपको अगली वीडियो में भेजाएगा। धन्यवाद।